Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मैंने ये कहा आरएसएस जो है आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है वो इस देश का नहीं है. इनका आइडियोलॉजी देखिए बीएस मुंजे साहब पूरा इनका कार्यक्रम लिखा हुआ है उन्हीं के हिसाब से चलते हैं. बीएस मुंजे साहब मुसोलिनी से और हिटलर से बड़े प्रभावित थे और ड्रेस कोड भी वहीं का है. काली टोपी है ड्रम है खाकी. काली टोपी तो हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल भी पहनते हैं. काली टोपी पहन लेते हैं जो ड्रेस को बहुत लोग काली टोपी पहन लेते हैं उससे कोई तकलीफ थोड़ी है. लेकिन आपका ड्रेस कोड जो हो मान लो हमारे शिक्षा यहाँ बैठे हैं उन्होंने काली पगड़ी बांधी है तो आरएसएस हो गया ऐसा तो नहीं है. वो है काला कुर्ता भी पहने हुए हैं. ये किसी की विरोध करने नहीं आए हैं. हमारे यहाँ तो अमित शाह के कार्यक्रम में आ जाते तो कपड़ा उतरवा लेते थे. देखिए हम भी काला कुर्ता पहन के बैठे हुए हैं तो मैं नहीं समझता काफी विरोध करने बैठे हैं. लेकिन हम तो विचारधारा भी हिंदुस्तान में हमारे यहाँ का वैदिक काल में देखिए उसके बाद बुद्ध महावीर का युग आया फिर आप देखेंगे शंकराचार्य का युग आया उसके बाद फिर आप गुरु नानक देव और कबीर जी का समय आया फिर आप रामकृष्ण परमहंस और भगवान तिलक का युग आपने देखा है. लेकिन ये सारे आइडियोलॉजी जो प्रमुख बातें हैं हमारे ऋषि मुनियों से गांधी जी ने लिया. आप सत्य की बात करते हैं जो सत्य हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा उसको गांधी जी ने अपने जीवन में धारण किया. जो अनेकांतवाद है महावीर का जिसमें जो आप देख रहे हैं वही सत्य नहीं है. मैं देख रहा हूं वो भी सत्य हो सकता है जो दूसरा देख रहा है वो भी सत्य हो सकता है. तो असहमति का सम्मान जो है ये उन्होंने महावीर से लिया गांधी जी ने. तो सत्य और अहिंसा उन्होंने हमारी ऋषि परंपरा से लिया और उसका प्रतीक राजनीतिक रूप से यदि कोई प्रतीक है हमारे ऋषि मुनि संतों का तो वो गांधी जी हुए और उस हथियार से उन्होंने अंग्रेजों को भगाया.